हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस वीडियो को बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, आपने थंबनेल देख लिया और टाइटल भी आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अपलोड करते हैं। मान लो कि आप ऑनलाइन कहीं पर भी काम करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि कई बार मुझे अपने थंबनेल को अपलोड करना पड़ता है। तो हम जब एक बार अपने थंबनेल को अपलोड कर देते हैं, करने के बाद हम सोचते हैं कि इसको दो अब इसको हम चेंज करेंगे, कोई और लगाएंगे। तो आपका जो YT स्टूडियो होता है वहाँ से तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि यूट्यूब के खिलाफ है कि आप YT स्टूडियो से कोई भी चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ से आप अपने थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट अपने क्रोम से करना चाहिए, लेकिन क्रोम से हम जब दो बार या तीन बार करते तो वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यूट्यूब में सर्च किया इसके बारे में, मुझे मालूम था कि ऐसे होता है, लेकिन यूट्यूब में जब मैंने सर्च किया, मैंने कई सारे वीडियो देखा था, कोई भी बंदा आपको यहाँ पर पूरी मतलब जानकारी नहीं दिया कि किस तरीके से चेंज करना पड़ता है। ये बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप किसी भी वेबसाइट में जब आप काम करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आखिर हम चेंज करेंगे। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। तो हम चलते हैं बिना देरी करते हुए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पे आके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आखिर हम अपने थंबनेल को जितने बार चाहे उतने बार चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जब भी ऑनलाइन काम करेंगे वहाँ पे किसी भी चीज़ को आप अगर चेंज करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर अपलोड करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं हर बार इसको अपलोड करूँ, चाहे आप 20 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, आपका चेंज हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा ट्रिक करना पड़ता है। तो हम चलते बिना देरी करते हुए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, वहाँ पर आके मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हम अपने यूट्यूब पर थंबनेल को चेंज करेंगे। गाइज, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आपको करना क्या कि जैसे कि आप अपने क्रोम में आना है, मैं सबसे पहले आना क्रोम में। क्रोम में जैसे ही हम चैनल में आएंगे YT स्टूडियो में, तो इस तरीके से हम आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, हमें क्या क्या करना है सारी चीज़ें मैं आपको आपको बताऊँगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा डेस्कटॉप आ चुका है। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या, हमें जाना है अपने कंटेंट में, हमारा जो भी वीडियो के प्ले लिस्ट में हमें वहाँ पर जाना है। तो हम यहाँ से कोई सा भी एक वीडियो ले लेते हैं, जहाँ पर उस वीडियो को मैंने अपलोड किया कर रखा है, तो उसी को मैं आपको चेंज करके दिखाऊँगा। तो हम यहाँ पे अपने कंटेंट में आ चुके हैं। तो हम एक सेकंड यहाँ पे वेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, उसके बाद क्या होगा मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे कोई सा भी एक वीडियो ले लेते हैं, जैसे कि इस वीडियो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो हम सिंपली से इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें अपने थंबनेल को चेंज करना। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते कि ये मेरा थंबनेल है, तो हमें इसे चेंज करना। तो हम जैसे कि इसमें क्लिक करते हैं तो ये चेंज नहीं हो पा रहा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ध्यान से देखेंगे, 3 डॉट का। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चेंज का। आप जैसे चेंज में क्लिक करें तो आपको चेंज नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे चेंज का जो ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड का है, तो हमें डाउनलोड को यहाँ पे क्लिक करके रखना है सिंपली सी, और आपको करना है एक बार यहाँ पे कॉपी। तो आपको कभी भी आप अपलोड करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान देखना है कि आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करना है, चाहे आप यहाँ पे लर्न लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करने का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो चेंज होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम डाउनलोड में करेंगे क्लिक, कॉपी करेंगे, और जैसे यहाँ पर चेंज में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हो, आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। आप जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और बता दे दूँ किस तरीके से। तो हम जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करते हैं, हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, हम डाउनलोड में क्लिक करके रखेंगे, हमें करना कॉपी, और चेंज में जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो जितनी बार मर्जी उतनी बार चेंज करेंगे, आपको कभी भी कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा ट्रिक है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होगा मुझे मालूम है जिन्हें पता नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।